So we are starting with dinoflagellates. Dinoflagellates are the second photosynthetic protist. Photosynthetic protist we are doing yesterday, we have started. और उसमें जो second number पे आ रहे हैं वो है dinoflagellates. The word di means again two and flagella means they got flagellates. आपको याद करने के लिए आसान हो जाएगा. वैसे डायना का मतलब कुछ और हो जाता है. ये डाई से मतलब दो से नहीं है. यस. So actually it is not standing for die but it is dyna. The word dyna jo hai, that has a meaning, that is a special sort of walk. ठीक है. तो इसका नाम जो है वो किसी walk से आया instead of two flagella. But just for the thing to remember it or to not to get confused, हम इसको कह सकते हैं die and flagella, that is they got two flagella, which is the unique characteristic of dinoflagellates. Dinoflagellates always have two flagella and the two flagellas are lying at the right angle of each other. Just I'll explain how it is. Suppose this is a dinoflagellate. Another unique feature है ये dinoflagellate का. दो features इसके खास हैं, बाकी तो कुछ नहीं है. Unicellular है, photosynthetic है, eukaryote है. Now this is one body, okay? Now in this one of the flagella is projected out. And the other flagella will lie in one of the groove, either this or this. So the flagellas are found at the right angle of one another. There is a right angle between the two flagella. Okay, so this is a unique arrangement. This is a unique arrangement of the flagella found in the dinoflagellates. Okay, so इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि when these flagella, you know, flagella are the organ of movement. तो दे विल बी हेल्पिंग देम टू मूव. लेकिन ये मूव होना क्या है, मतलब आप कभी नाव में बैठे हों और वहां पे आप पतवार लगा करके एक ही एक साइड से अगर हिलाएंगे तो क्या होगा, द बोट विल मूव इन अ सर्कुलर डायरेक्शन. इट विल कीप ऑन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. व्हाई? बिकॉज यू हैव टू बैलेंस आइदर वन. एक बार आपने यहाँ स्ट्रोक मारा, दूसरी बार यहाँ मारना पड़ेगा. यहाँ ऐसे ऐसे ही करते हैं. दैट इज इफ यू माइट हैव सीन समवन याटिंग एंड ऑल, तो आपने देखा होगा वो इस तरह से करते हैं. और टू पीपल सिट और इक्वल नंबर ऑफ पीपल सिट इन आइदर साइड एंड दे आर बोथ ऑफ देम आर व्हाट इट इज कॉल्ड द थिंग दैट इज दे आर मूविंग देयर पेडल्स और वट एवर यू से. तो दैट विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बोट इन द स्ट्रेट डायरेक्शन. बट इफ यू अप्लाई स्ट्रोक ओनली इन वन डायरेक्शन the body will move. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, one of the flagella is lying here, the other of the flagella is lying at the right angle. There is a angle of 90 degree between them. ठीक है, एक flagella यहाँ पड़ा है, दूसरा flagella यहाँ पड़ा है. तो अब क्या होगा, ये flagella stroke मारता है तो ये घूमने लगेगा and the other one is moving, तो वो आगे की तरफ जा रहा है. So as a result when it moves in this way. अगर इसको आगे जाना हो तो स्ट्रेट नहीं जा करके वो कैसे जाएगा, अगर सपोज इसको इस डायरेक्शन में जाना बट तो वो कैसे जाएगा, ऐसे घूमता हो. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट जो यहाँ पे आ रहा है इसको हमने नाम दिया डायना. ठीक है, डायना इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मूवमेंट. जो फैशन डिजाइनर्स होती है, फैशन वॉक करती है, आपने देखा होगा वो जो मॉडल्स होती है हाउ दे वॉक. ठीक है, वो उनका जो वॉक का स्टाइल होता है उस हिसाब से. या अगर आपने बुलेट की गोली को देखा हो कभी क्या नाम से डिस्कवरी चैनल पे, तो वेन द बंदूक की गोली निकलती है तो वो घूमती भी जाती है, जाती स्ट्रेट ही है बट वो अपनी एक्सिस के ऊपर घूम रही होती है. ठीक है, हमारा ये जो डायनोफ्लैजेलेट है वो अपने एक्सिस पे नहीं घूम रहा है, एक सेंटर के चारों तरफ इस तरह से स्पाइरल मूवमेंट करता हुआ आगे जा रहा है. दैट इज अ यूनिक फीचर. तो देखिए, दीज ऑर्गन्स आर मोस्टली मैराइन, समुद्र में मिलेंगे. आप अपने आसपास नदी तालों में तालाबों में उनको ढूंढने की चेष्टा नहीं करें. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड इन कलर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स. मेन पिगमेंट विल बी क्लोरोफिल बट अलॉन्ग विद दैट
The other pigments are also there, xanthophylls are there, keratinoids are there, others may also be there. The cell wall has a stiff cellulostic plates. ये जो बना रखे हैं ये plates हैं. इन plates को हम जो है armored plate कह सकते हैं. armored armored plates. पुराने जमाने में जो राजे महाराजे और वो जो सेनापति वगैरह लड़ने जाते थे तो उनको तीर नहीं लगे, उनको भाला नहीं लगे, तो दे इज टू वेयर अ सॉर्ट ऑफ आर्मर्ड क्या कहते हैं आर्टिकल्स ऑन देयर बॉडी. दे इज टू बी मेड अप ऑफ स्टील, स्टील तो नहीं होता था उस टाइम, वो जो ब्रास होते थे, ब्रास की प्लेट्स होती थी, और इट यूज टू बी मेड अप ऑफ कॉपर एंड ऑल, ठीक है, थिक. तो इट इटसेल्फ यूज टू हैव अ वेट ऑफ 30-40 केजी पूरे बॉडी के लिए, ठीक है. तो उससे क्या होता था, चेन वो जो क्या कहते हैं वो जो तीर है और जो भाले हैं वो आकर के उनको हिट नहीं कर पाते थे, दे नेवर यूज टू डाई. हियर ऑल्सो दीज प्लेट्स ऑफ द सेल वॉल आर एक्टिंग एज अ आर्मर्ड प्लेट. तो यहाँ पे देखिए सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सर्फेस, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, ठीक है. वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर लाइज ट्रांसवर्सली. एक तो ये लॉन्गिट्यूडनल है और दूसरा ट्रांसवर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, सो देर इज अ राइट एंगल फॉर्मिंग, ठीक है. वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट जिसका नाम दे रखा है गाइनोलेक्स, ये गाइनोलेक्स जो है अंडरगोज रैपिड मल्टीप्लीकेशन एंड मेक द सी अपियर रेड. इतने ज्यादा हो जाते हैं ये रेड कलर के हैं, इनका जो स्किन जो द बॉडी कलर विल बी रेड एंड दे multiply so rapidly in the warm sea that the entire sea start appearing red. और उनसे जो tides वगैरह आती हैं वो ऐसा आ रहे से खून आ रहा हो तेज से, ठीक है. तो that is what it is called. तो that is called red tide. और toxin released by such large number that they may even kill marine animals such as fish. ठीक है, two important things. First, they appear red and they multiply in such a rapid number in a short period of span that the entire sea start appearing red. Secondly, they are producing some toxin, and these toxins, whenever any other organisms comes in, it is not a toxic for them, a toxin for them, but other organisms jo isko kha jate hain, for them it is toxic and they used to die. So what four five important things you can say, that is they are eukaryotic, photosynthetic organisms, unicellular हैं. Secondly, their cell wall are क्या कहता है armored plate, ठीक है. Thirdly, they got two flagella, both are lying in the right angle of each other, one is transversely, other is क्या कहते हैं vertically or horizontally or vertically, whatever you say. And the next is that is they move with a dyna movement, because of that they got their name. एंड फिर उसमें दे आर रैपिडली डिवाइडिंग इन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द गाइनोलेक्स, ये केवल इसी एग्जांपल के लिए, ठीक है. गोनाइलेक्स जो नॉन देरेका, तो ये केवल इसी के लिए. और दे मल्टीप्लाई इन सच ए रैपिड रेट दैट द एंटायर सी स्टार्ट अपीयरिंग रेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर दे आर, एंड द टाइड्स वहाँ पर निकलेगी, दैट टाइड यूज टू बी अपीयरिंग रेड इन कलर, एंड देन दे ऑल्सो प्रोड्यूस सम टॉक्सिन, ठीक है. तो ये हो गए डायनोफ्लैजिलेट्स. नाउ वी स्टडी यूग्लिनॉइड, वी आर स्टडिंग अबाउट द फोटोसिंथेटिक एल्गी. सो द नेक्स्ट इज यूग्लिनॉइड, और यूग्लिना लाइक, ठीक है. नाउ यूग्लिना क्या है, यू माइट हैव स्टडीड अबाउट यूग्लिना इन स्मॉलर क्लासेस, वो स्लीपर शेप का होता है एंड उसमें दो फ्लैजिला होते हैं, वन बिग फ्लैजिला लार्ज फ्लैजिला एंड अनदर स्मॉल वन, एंड इट हैज गॉट न्यूक्लियस एंड इट डजंट हैव एनी सेल वॉल, उसमें कोई सेल वॉल नहीं है. दो न्यूक्लियस के अंदर मिल रहे होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, और फिर इसके ऊपर एक खास तरह की लेयर मिल रही है, उस लेयर को हम कहेंगे पेलिकल, ठीक है, पेलिकल लेयर ऑफ प्रोटीन. It has got chloroplast, and because of this chloroplast it is green in color. तो अब क्या क्या चीजें यूनिक हो गई, दैट इज यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियाई,
टू आर देयर फ्लैजेला, टू आर देयर वन लॉन्ग एंड द वन स्मॉल विच रिमेन्स इन साइड ओनली, सेल वॉल इज नॉट देयर, क्लोरोप्लास्ट इज देयर. ठीक है, द बॉडी इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड पेलिकल. And since they got chloroplast, they will carry out their own photosynthesis. They got a centriole here, and this centriole is acting as a light sensor. ठीक है, जिसको हम इसकी आई कह सकते हैं, primitive eye. Now what will it do? ये क्या कर रहा है? That is, it positions its this euglena in such a way that wherever there is a light, it goes and go towards that, so that they get light and they can carry out photosynthesis. But in absence of light, they will not be able to carry out photosynthesis. Suppose they are in some pond, fresh water में मिलते हैं, sea water में भी मिल सकते हैं, अलग species. अब किसी pond में मान लीजिए this euglena आ गए, and you have covered that pond या क्या कहते हैं well. Now suppose they are in well and you have covered the well, and now the no light reaching in the well. 1 day, 2 day, 3 days, whatever amount of starch is stored in them, that will be used. After that, there is no more food available with them. So what they'll do? They'll start eating up their cell organelle. And फिर वो हो जाएंगे saprobic. They will switch over their mode of nutrition from autotrophic to heterotrophic. पढ़ देता हूँ क्या है, देखिए क्या लिखा है. Majority of them are freshwater organism found in the stagnant water, flowing में नहीं मिल रहे. Instead of cell wall, they have got protein rich layer called pellicle, double LL. ठीक है, तो pellicle which makes the body flexible. ठीक है, it is not tough or rigid as in case of cell wall. ठीक है, they have got two flagella, one short and one long. Though they are photosynthetic in presence of sunlight, when they are deprived of light, they behave as heterotrophic and predating on the other organisms. दूसरे को खाने लग जाएंगे. ठीक है, smaller organism. Interestingly, pigment of euglenoids are identical to those which are present in higher plants. Cellulose as chlorophyll A like or chlorophyll B like. ठीक है, and example इसका euglena है. Now when we were classifying, there was a big problem again here, whether to classify euglena in animal or in plant, because they got their photosynthetic activity, chloroplast is there, photosynthesis kar sakte hain, autotrophic mode of nutrition is, so they should be classified into plant, but they do not have cell wall, but body is covered by pellicle, membranous layer, proteinous layer. So these are animal like feature. Moreover, if you keep them in dark for long period, they will switch over their autotrophic mode to heterotrophic mode. So it is an enigma. ये एक border line हो गया है, वो मतलब ही है जानवर, वो कभी इधर switch हो जाता, कभी इधर switch हो जाता. ठीक है, तो euglena और a very different kind of organism. चलिए हम पढ़ते हैं protozoans. Protozoa. Proto means first, zoa means animal. The name is got from there because they were in the animal kingdom. सबसे पहले आ गए थे, सबसे नीचे रखे हुए थे. So we could say that they paved the way for the animal kingdom. तो protozoa है. Protozoa कैसे रहेंगे? Unicellular, eukaryotic, heterotrophic, without cell wall. ठीक है, may have locomotory, extension. Plastids are absent. All aquatic or some are parasites. ठीक है, when aquatic
when aquatic they have contractile vacuole. Do you know about contractile vacuole? नहीं पढ़ा होगा आपने. Contractile vacuole are a special kind of vacuole which absorbs the extra water, grow in size, and when they reach up to a certain size, they come onto the cell membrane and burst and throw the excess of water out. So they are maintaining the water content in the cell. वो ज़्यादा पानी को रखने नहीं देंगे सेल में सब, क्योंकि ये aquatic organisms हैं and body do not have cell wall. Body will keep on intaking water because of the diffusion or osmosis, and the water will going on coming in and increasing the water content in the cell. So as a result क्या होगा, this will grow and time may come when it may burst. Cell wall होता है तो क्या, वो उसको मैनेज करके रखता, उसको फूटने नहीं देता, ठीक है. Now cell wall is not there. So what they have got a special arrangement, that is whenever the excess water is there, that excess water is collected in them and that is thrown out. So on the basis of their locomotory extensions, we categorize them into three categories, that is if the cilia is present, ciliate, if flagella is present, flagellate, and agar hai nahi kuch bhi to hum unko sporozoites kehte hain. So we shall start with ciliates. The protista or protozoans with cilia. Tomorrow 7:30 a.m. test on chapter 16, ठीक है. चाहे पढ़ाओ चाहे नहीं पढ़ाओ, टेस्ट तो दे ही देना. बिकॉज आई एम नॉट सेंडिंग योर मार्क्स टू स्कूल और टू योर पेरेंट्स और टू एनी वन एल्स. इट इज जस्ट फॉर यू, हाउ मच यू हैव कलेक्टेड, हाउ मच यू गेन, बिकॉज यू आर नो मोर इन 10th क्लास. 10th क्लास में बायो के कुल मिला के 5 चैप्टर थे, 6 साल निकाल लिया, 6 चैप्टर या प्राइमरी या क्वार्टरली में पढ़ लेंगे 6 चैप्टर, ठीक है. दिस इज आवर 3rd चैप्टर इन प्रोग्रेस. सो यू हैव टू मेंटेन द पेस. आपको उस पढ़ाई का एक तारतम्य बना के रखना है, ठीक है. द तारतम्य कैसे बनेगा, उसी के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि कीप टेकिंग टेस्ट, एंड टेस्ट के नाम पे तो पढ़ेंगे. वैसे तो मैंने कहा था कि आपको रोज का रोज पढ़ना है, इतना टाइम नहीं मिलता बच्चों को आजकल. फिर पबजी बैन हो गया, भगवान जाने जिसके पास पुराना पढ़ाया वो तो चल ही रहा होगा. तो जो भी है, बट इट इज गुड दैट यू स्टडी. सिलिएट का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कौन है, पैरामीशिया. पैरामीशियम कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में मिलता है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है. डायग्राम बना देता हूं पैरामीशिया का. एंड इन द पैरामीशिया देर आर सो मेनी सीलिया. And the cilia which are found here are longer, and the cilia which other places are shorter. This is called oral groove. Here also the cilia are present. Here is the short cilia. Okay, the nucleus is there. Food vacuole is there in which the food is collected. Contractile vacuoles are there, which will throw the waste out, and the some other cell organelle, mitochondria are there, and Golgi body and other things are also there. ठीक है, so we'll have all these things in the paramecium.
The locomotion is done with the help of cilia. Cilia also help in the inflow of water through the oral groove. And when they will filter even any kind of food is there, and that food is put into a food vacuole. And food is digested in the food vacuole with the help of lysosomes enzymes. Enzymes secreted by the lysosome. Contractile vacuoles are, as I just now said, since the body is in the water, outside there are about 95%, 97%, 98%, 99%, 95%, 9.5% purity of water. Inside there is only 70% water. So water will be keep on entering through the cell membrane. So the extra water is collected into the contractile vacuole, and these vacuoles, they will become large and they come on the surface and give the waste out. Food vacuole is formed, food is digested, cytoplasmic streaming is there, वो इसको इधर उधर घुमा देगी, and at the end it will come onto the membrane and it also throw the waste out. ठीक है, तो it is very simple. जैसे मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ ciliate के लिए क्या लिखा है. The aquatic actively moving organism, because of the presence of thousands of cilia, they have a cavity called gullet. ये गलत है जिसके अंदर फूड वैक्यूल बन जाएगी. इसी से दैट ओपन्स टू एक्सटीरियर ऑफ द सेल सरफेस. कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रॉज ऑफ सीलिया कॉजेस द वाटर लेड इन द फूड इनटू टू बी स्ट्रीम्ड इनटू द गलट एंड देन इट विल कम इनटू द फूड वैक्यूल. एग्जांपल इज पैरामीशियम जी. ठीक है, ओके. तो ये सीलिया का, सीलिएट का एक एग्जांपल हो गया. नाउ वी शैल स्टडी अमीबेट, जिनको हम सार्कोडेंस भी कह सकते हैं. अमीबेट और सार्कोडाइंस. अमीबा स्पेशल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. अमीबा के पास में क्या होता है, दे हैव फ्लेक्सिबल बॉडी एंड दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया. दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द सॉल्ट वाटर. ऑल अदर सेल ऑर्गेनेल आर देयर, न्यूक्लियस इज देयर, ऑल अदर सेल ऑर्गेनेल इज देयर, एंड द सूडोपोडिया इज हेल्प इन कैचिंग फूड. जैसे ये कोई फूड आ गया, किसी का अंडा है या लार्वा और प्यूपा, दे विल फॉर्म सूडोपोडिया अराउंड इट एंड देन द सूडोपोडिया विल जॉइन टुगेदर, विच वी ऑलरेडी स्टडीज इन क्लास 10, एंड द फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड एंड द फूड विल बी डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम्स, लाइसोसोम्स एंजाइम. ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म. एंड अमीबा जो है वो क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन से या मल्टीपल फ्यूजन से डिवाइड कर लेंगे. तो देखिए, दीज ऑर्गेनिज्म्स लिव इन द फ्रेश वाटर, सी वाटर और इन द मॉइस्ट सॉइल. दे मूव विद द मूव एंड कैप्चर दे प्रे बाय पुटिंग सूडोपोडिया. सूडो मीन्स रॉन्ग, तो सूडो मीन्स फॉल्स, सूडो मीन्स अल्ट्रूथ. तो पोड़ा मतलब फीट, एक्चुअली फीट नहीं होता, अपेंडिसेस होता है. तो ये फॉल्स फीट इसके लिए नाम आ गया एज अमीबा. मैराइन फॉर्म्स ऑफ है सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस. ठीक है, एंड सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट विच कॉजेस सीवियर डिजीज ऑफ डिसेंट्री कॉल्ड एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका. ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए. एंड द लास्ट वन इज सार्कोडिंग, उनके बाद स्पोरोजेंस. स्पोरोजेंस के बारे में पढ़ लेते हैं. इट इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनम दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट स्पोर जो होता है उसको कहते हैं स्पोरोजाइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गॉट देयर नेम स्पोरोजोन्स. ऑफ द स्टेज ऑफ देयर लाइफ, मोस्ट नोटोरियस ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट. ठीक है, विच कॉजेज मलेरिया एंड विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन. तो बहुत छोटी छोटी चार चार पाँच पाँच लाइन्स लिखी हैं, यू कैन ईजिली लर्न दैम, नो प्रॉब्लम. एक छोटा सा पोर्शन बचा है स्लाइम मोल्ड्स का,
इनसे पढ़ देता हूँ, 10 लाइन भी सारी नहीं है। स्लाइम मोल्ड क्या लिखा है देखिए, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ वाई आर दे क्लासिफाइड इन अ सेपरेट सेपरेट कैटेगरी, बिकॉज दे आर सेप्रोफाइट। पहले इनको फंगाई में डाल रखा था, तो हमने बोरो किया वहाँ से, निकाल लिया। हमने कहा यार तुम वहाँ पे क्या जियोगे, तुम्हारे लिए अलग गांव बसा दिया है, तो इधर आ जाओ। तो इसलिए उनके लिए जो है यहाँ पे, तो स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग लॉग्स और ट्विग्स और लीफ और एनी डेड मटीरियल। मान लीजिए किसी का हाथ कट के पड़ा हुआ, तो यहाँ स्लाइम मोल्ड आएगा एक, ठीक है एक, फिर वो धीरे 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 मल्टीप्लाई करेंगे, दे विल वेरी रैपिडली मल्टीप्लाइंग एंड कवरिंग द एंटायर डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। नाउ दिस मूवमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप, एक जिसके अंदर ईच टाइम न्यूक्लियस डिवाइड द सेल ऑल्सो डिवाइड एंड लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडिया विल बी देयर, दिस इज स्लाइम मोल्ड, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि द बॉडी विल ओनली कीप ऑन स्प्रेडिंग एंड द न्यूक्लियस विल मल्टीप्लाई, मतलब वहाँ अभी सेल अलग अलग नहीं हुए हैं। तो देखिए, अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट, पूरी सरफेस के ऊपर फैल जाते हैं। ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बेयरिंग स्पोर्स एट द टिप्स। तो कोई सा भी इवन दैट अदर ऑर्गन्स ऑल्सो दे कैन फॉर्म स्पोर, तो ये भी बना रहे। द स्पोर पॉजेस टू वॉल्स एंड दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू द हार्ड कंडीशन, मे बी हाई टेम्परेचर, मे बी डेसिकेशन, मे बी केमिकल्स एक्सेट्रा। एंड यहाँ लिखा है देखिए, कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, स्पोर इफ नॉट फाइंडिंग सूटेबल कंडीशन विल कंटिन्यू टू सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स टिल दे गेट द सूटेबल कंडीशन, एंड जब सूटेबल कंडीशन मिल जाएंगे दे विल अगेन जर्मिनेट एंड दे विल गिव राइज न्यू फंगाई और सॉरी स्लाइम मोल्ड, ठीक है। एंड दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, एंड दे इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर्स आर डिसअपीयर्ड बाय एयर, डिस्पर्स बाय एयर, एयर से किसी कॉन्टेक्ट से, सपोज सम मैन और एनिमल इज मूविंग एंड दैट पुट देयर लेग ओवर देयर, तो वो स्विच पक जाएंगे एंड दे मे इवन गेट टू द न्यू लोकेशन। तो दीज आर प्रोटिस्ट, वेरी ईजी, आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो किंगडम, दो किंगडम मैंने पढ़ा दिया आपको, दैट इज किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। नाउ सैटरडे टुमारो इज अ डाउट क्लास डे एंड यू विल हैव योर टेस्ट ऑल्सो, आई सेड जस्ट नाउ, सो यू प्रिपेयर योर टेस्ट एंड इफ यू गॉट एनी डाउट आफ्टर 8 यू कैन गो टू रेस्पेक्टिव टीचर टू आस्क योर